का लगभग 2000 साल पहले हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन से जाकर के अयोध्या को पुनर्स्थापित कराया था और वर्तमान में जहां पर मंदिर की बात की जा रही है ऐसा कहा जाता है, पुरातत्ववेत्ताओं ने जो बताया है कि 84 काले कसौटी का खंबे वाला मंदिर जो भगवान राम का था, जिसको बाबर ने तोड़ा था, वो सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये इस बात के प्रमाण पुरातत्व की तरफ से आए और सुप्रीम कोर्ट में भी उनका नाम कोर्ट किया गया है। ये हम सब के लिए आज के इस अवसर पर ज्यादा आनंद की बात है कि न केवल माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे उस निर्णय का परिपालन करते हुए, और सौभाग्य की बात है गर्भगृह में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम सबके लिए वो सौभाग्य का क्षण है। इस अवसर पर एक और बड़ा घटनाक्रम हम सबके सामने हुआ है कि 5 भारत रत्न दिए गए। इसमें बिहार के सर्वहारा वर्ग के बहुत बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी, राजनीति के विविध पड़ाव से गुजरते हुए आज भी हमारे बीच हुए लंबे संघर्ष के प्रतीक और सुशासन के भी प्रतीक, उनने कई दायित्व का निर्वहन किया। ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी जी, अत्यंत सम्मान और किसानों के नाते से अलग ढंग से जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी, जिनका अपने पूरे देश में नाम है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी, जिन्होंने हरित क्रांति में हमारे लिए एक बड़ा आदर्श उदाहरण पेश किया और अपनी बड़ी सरकारी नौकरी छोड़ करके किसानों की सेवा के नाते से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। उनके योगदान को माननीय आडवाणी जी के साथ ही माननीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्मरण किया, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक और धन्यवाद जिसके लिए कांग्रेस से तो उनके पोते और उनके बेटे सब तरस गए, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, नरसिंह राव जी का योगदान कोई नहीं छोड़ सकता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो दिवंगत होगा वो हम सब के लिए एक सम्मान के पात्र होते हैं। नरसिंह राव जी का माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा कि भारत रत्न एक बड़ा गौरवशाली रत्न होता, सम्मान होता, और जो भारत के कानून में अपने संविधान में कि तीसरी तीन को दे देने का, आप एक साल में तो आपने 5-5, 6-6 बांट रहे, अभी चुनाव आएंगे तो और बांट देंगे, तो ये भारत रत्न ही नहीं है, मोदी रत्न है। मेरा आपसे कहना है कि अगर आपको सम्मान देना है, अध्यक्ष महोदय, घोर आपत्ति है, भारत रत्नों को मोदी रत्न करके ये सबको अपमानित कर रहे हैं, इनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। सिंधिया जी, आप अपने शब्द वापस दीजिए, आप ऐसा दिवंगतों के साथ भारत रत्न के साथ अपमान कर रहे हैं। भारत रत्न के बारे में इस तरह की बात, इतना सम्मान इसको वापस लेना चाहिए। एक मिनट बैठ जाए सब लोग। मैं मुझे लगता है मैं अध्यक्ष महोदय सर सुनने का साथ, भारत रत्न भारतवर्ष का सर्वोच्च सम्मान है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, जो शब्द आए हैं उनको विलोपित किया जाए। फिर माननीय अध्यक्ष महोदय आपने बोला ये पोता वगैरह ये भी विलोपित करा, बोला है भैया सार्वजनिक रूप से बोला है, ये भी आप विलोपित करा, उन्होंने कहा तो आप वो भी विलोपित करा। भारत रत्न के बारे में नहीं, उसी से संबंधित बात हो रही माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दिखवा ले, प्रोसीडिंग दिखवा ले। अच्छा मैं दिखवा, कोई विलोपित करा। माननीय नेता प्रतिपक्षी, इस चक्कर में मत पड़ो, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। भारत रत्न की शुरुआत हुई, दूर तक जाने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरा निवेदन, अभी हमारी तो बात पूरी हो जाने दो। ये भारत रत्न का इतिहास है माननीय अध्यक्ष महोदय, के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं को अनुशंसित करा करके उनके जीते जी भारत रत्न दिलवा लिया। ये भारत रत्न का इतिहास है। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में स्वयं को अनुशंसित करा लिया। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है जो ढूंढ ढूंढ करके योग्य लोगों को भारत रत्न दे रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये इतनी उदार मना भाव से, वास्तव में भारत रत्न होता ही इसीलिए है, क्या इस दल का क्या उस दल का, जिस जिसने भी योगदान दिया, सबको साथ सबका विकास जो बात कही गई है वो सार्थक करके दिखाने वाली बात। अभी हमने इस भाव को साथ लिया था कि भाई
अभी सिकरवार जी, मिश्रा जी, अभय जी माफ कर, अभी मेरे विषय से भटकना नहीं चाहता हूँ अभी। नहीं आप भटको मत, सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है, विषय पर। धन्य अध्यक्ष महोदय, एक और धन्यवाद देना चाहूंगा, चार चार पद्मश्री मध्य प्रदेश को मिली है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके एक एक नाम लूंगा और उनका योगदान की बात करूंगा, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि इनको पद्मश्री मिलेगी। डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हिस्ट्री के, 20 साल पहले काफी किताबें लिखी, बहुत रिसर्च, लेकिन 20 साल बाद उनको जब विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से काम करने को मौका दिया, तो एक 2000 साल पुराना एक अलिखित इतिहास को तथ्यात्मक रूप से सामने लाके, क्या साहित्यिक क्या पुरातात्विक सारे प्रमाण जुटा करके, एक अत्यंत साधारण से दिखने वाले व्यक्तित्व ने इतना बड़ा असाधारण काम किया है कि पूरे देश में मिसाल बनेगा विक्रमादित्य का आधार, ये डॉक्टर राजपुरोहित जी के कारण हम जानते हैं। रिटायरमेंट के बाद कोई व्यक्ति कितना बड़ा काम कर सकता है ये डॉक्टर राजपुरोहित जी बता सकते हैं, अन्यथा रिटायरमेंट के बाद मानते लोग कि अब अपना समय पूरा हुआ, लेकिन ये डॉक्टर राजपुरोहित जी को तो मुझे लगता है कि प्रदेश स्तर पे भी हमको अलग से सम्मान देने की जरूरत है, इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। इनके बराबरी से माच की परंपरा, राजा विक्रमादित्य और भर्तृहरि का माच, अलग अलग प्रकार के माच, पुरानी नाट्य विधा अद्भुत है ना, माच के माध्यम से हमारा पुरुषार्थ जगाना, पौरुष जगाना, गर्व और गौरव देने का मौका, और हमारी प्राचीन अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए माच परंपरा के श्री ओम प्रकाश शर्मा जी 80 साल की उम्र में वो आज भी जुड़े हैं, एक पद्मश्री उनको मिला, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री का आभार मानना चाहता हूं। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया आपके ही चंबल अंचल से आते हैं, भिंड के, दिव्यांग है लेकिन हौसला हिमालय से ऊंचा, ऐसे सत्येंद्र लोहिया जी को दिव्यांग होने के बावजूद भी जिस प्रकार से पुरस्कार मिले, उनको पद्मश्री दी गई, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। कालूराम बामनिया जी लोकगीत के बहुत अच्छे गायक और ऐसे अपने चुपचाप काम करने वाले कि उनको ढूंढना पड़ा कि वो कहां के हैं, कालूराम देवास के, बहुत अच्छे गायक, उनको पद्मश्री दी, मैं यशोगान गाना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री को कि आज के इस समय में, पुराना जमाना गया जब पद्मश्री कैसे दी जाती थी, लेकिन अब जो सुयोग्य लोगों को दी जाती है, वास्तव में हम सब ऐसे लोकतंत्र में इसी प्रकार के दौर की आवश्यकता। मैं भारत सरकार के मामले में कई बार अपने मित्रों ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कितनी बार क्यों बताते हो, क्यों बोलते हो, उनकी बात क्यों रखते हो, अरे इसीलिए रखते हैं कि प्रधानमंत्री ने वर्तमान के दौर में जिस प्रकार से शासन व्यवस्थाओं के सूत्र संचालन किए हैं, वो आदर्श उदाहरण हमारे सबके सामने बना है, वो हमारे लिए गर्व का, और हमारे लिए नहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद को गौरवान्वित करने वाला जो व्यक्तित्व उनका निकल के आया, जिससे पूरा देश दुनिया में अलग ढंग से देखा जाने लगा है, हम इसलिए उनको याद करते हैं। जिनके समय हम देखें अगर 21 शताब्दी में पूरी दुनिया दो धारा में जा रही है, और ऐसे में एक धारा एक अलग प्रकार से जा रही है जिसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, जहां कोविड की चुनौती हो सकती है, दोनों देशों के बीच चलने वाले अलग अलग प्रकार के युद्धों की स्थिति हो सकती है जो सामने दिखाई दे रही है, और दुनिया डर रही है कि पता नहीं युद्धों के बाद ये जो क्रम जारी हो रहा है ये आगे कहां जाके टिकेगा, कहीं आतंकवाद और आर्थिक मंदी का दौर हमने अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि चीन जैसे इतने बड़े देश की भी हालत आर्थिक व्यवस्था में वो किधर जा रहा है, और दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति, टेक्नोलड़जी क्रांति, G20 ने दुनिया में आगे बढ़ने का एक नया मंच तैयार किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई जिन्होंने दूसरा मोर्चा लेकर के भारत का मान बढ़ाने का, सम्मान बनाने का मार्ग पकड़ा है, और उसके कारण से मैं निश्चित रूप से उनको बधाई देना चाहता हूं। और ये खास करके जिस जगह में बात कर रहा हूं, भारत के अंदर मध्य प्रदेश में, तो खासकर भारत की खुद की स्थिति क्या है, भारत यानी दुनिया का मित्र, विश्व मित्र की भारत की पहचान, भारत यानी वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला, भारत मतलब सबका साथ सबका विकास की बात करने वाला, और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत ने जिस प्रकार से अपने कदम बढ़ाए, मुझे इस बात का गर्व है,
भारत के विकास ने सोने की चिड़िया बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, यह हमारा सबका सौभाग्य है। हजारों साल से भारत की जो पहचान थी, भारत उस रूप में स्थापित होता आया है। और मुझे इस बात की और खुशी है कि हमारी विरासत हमको विश्व गुरु की तरफ निश्चित रूप से बुला रही है। आज नहीं तो कल ये अपना अमृत काल हमको विश्व गुरु की तरफ ले जा करके सार्थक दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है और हम अपने चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के समय में जब हमारे अपने हमने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए, हमारे सौभाग्य की बात है गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए, ऐसे में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया सभी के साथ राष्ट्र प्रथम ये जो दृष्टि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रखी है, ये हम सबको निश्चित रूप से अपने लोकतंत्र में आस्था और बढ़ाने के लिए हमारा मन में विश्वास मजबूत करती है। हर भाषा के पर्याय हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी का कोई पर्याय नहीं। अटक से कटक तक लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला एकमात्र शख्स कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी पार्टी का व्यक्तित्व हो, मोदी जी के बराबर आज कोई नहीं है। मुझे गर्व है कि हाँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत उन्नति करते हुए लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। सोहन जी, आप कल होते तो आप भी ताली बजाते, इतना आनंद आया। बोलने का मौका क्यों नहीं मिला? हम अपने आप को अपमानित समझ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी ने बोलने नहीं दिए जाबू, इससे बड़ा हम लोगों के दरबार क्या हो सकता है? मोहन जी, महोदय, जो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, हम लोग ध्यान से सुन रहे थे। भैया सुनो, आप लोग शांत बैठो। सोहन जी कृपया बैठिए। आजू में बैठा है और प्रधानमंत्री जी बोले नहीं दे रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का कोई कारण नहीं था। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए। अभी मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आप ये बात जानना कि माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो खास करके माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे किसी का जवाब देने के बजाय आपसे बात करना, ये सदन की मर्यादा भी है। मैं कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो इतिहास बना, इसी दो माह से कम समय की सरकार ने टंट्या मामा के माध्यम से आदिवासी अंचल को जो विश्वविद्यालय देने का काम किया, वो हमारे अपने ये गर्व और गौरव प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मिला। मैंने छोटा सा निवेदन किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यद्यपि हमको समय कम मिला और मुझे इस बात की खुशी है, उन्होंने एक बार नहीं दो बार मौका दिया। एक हुकुमचंद मिल का आपने विषय निकाला, मैं आगे उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन कल का हमारा उनका आना और टंट्या मामा के माध्यम से संक्षिप्त समय में विश्वविद्यालय का बनना और बनके इसी सत्र से चालू करना, ये वाकई सौभाग्य की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार मानता हूँ कि इतने बहुत भारी व्यवस्था के बावजूद भी ये मौका हमको दिया। मैं आज के इस अवसर पर विश्वविद्यालय आदिवासी क्षेत्र में नहीं।